जय फलस्तीन, जय फलस्तीन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आपने सुना? जी हाँ, उन्होंने जय फिलिस्तीन ही कहा है। उनका ये बयान उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोकसभा में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन कह दिया था, जिस पर सत्ता पक्ष के लोगों की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। लगातार बीजेपी के नेता उन पर जुबानी हमला कर रहे हैं। आलम तो ये है कि कई बीजेपी नेताओं ने असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता खत्म की जाने की मांग तक कर डाली है। वहीं नेताओं के लगातार आ रही प्रतिक्रिया के बीच अब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का भी एक बयान सामने आ गया है, जिसमें वो भी ओवैसी की संसद से सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आपको भी सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। संसद भवन में जिस प्रकार से ओवैसी जी ने संविधान की मर्यादा को तार तार किया और जिस प्रकार से उन्होंने शपथ में उन्होंने अदर देश का नाम लिया, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सांसद को सदन से बर्खास्त करना चाहिए, हम लोगों की मांग है। क्योंकि ऐसे मानसिकता के सांसद अगर सदन में रहेंगे तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा और देश तोड़ने की साजिश करने वालों का मनोबल ऊंचा होगा। इसके नाते हम लोगों की मांग है कि ओवैसी साहब की सांसद से सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि ऐसे लोग सदन में रहने लायक नहीं। दरअसल शपथ ग्रहण के दूसरे दिन असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ली और शपथ ग्रहण करने के दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर विवाद पैदा कर दिया। वहीं शपथ ग्रहण के बाद असदुद्दीन ओवैसी सदन से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो मैंने कहा वो सबके सामने है। मैंने कहा जय भीम, जय भीम, जय फिलिस्तीन। मेरा बयान संविधान के खिलाफ कैसे है? संविधान में कौन सा प्रावधान है? दूसरों ने क्या क्या कहा है वो भी तो सुन लीजिए। कुल मिलाकर ओवैसी अपने इस नारे पर, अपने इस बयान पर अडिग हैं, वहीं बीजेपी उनको घेरने में लगी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।